सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। सो इस व्लॉग में ये है कि हम गांव जा रहे हैं आज दादी के घर, मतलब पापा को कुछ वहाँ पे काम है तो मैं भी चलता हूँ। तो चलो हम अभी आपको आगे का दिखाते हैं। गाइस अभी जस्ट हम शिवा ढाबा पहुंचे हैं, यहाँ पे थोड़ा चाय नाश्ता का ब्रेक लेंगे फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी राइड। हम गांव पहुंच चुके थे और अभी यहां पे हवन भी हुआ था हनुमान जी का, तो अभी हम मंदिर में ही हैं। अब बस यहां पे प्रसाद बटना है, उसके बाद हम घर जाएंगे। तो मैं आपको वहां का दिखाऊंगा, तब तक आप यहां का देखिए। जस्ट अभी भंडारा ओवर हुआ है और हवन वगैरह सब हो चुका है, अब हम अपने दादी के घर जा रहे हैं। तो मैं आपको अपना दादी का घर दिखाऊंगा, देखना एकदम पूरे गांव वाली टाइप फील आएगी। वो एकदम सीधे दिख रहा है, हाँ वही वही बस वही है मेरी दादी का घर। एकदम कहते हैं ना टिपिकल टिपिकल गांव, ये वही है ये भाई, बिल्कुल लाइट नहीं, बस एक दो घंटे लाइट आती है फिर आती नहीं। तो केयर टेकर रख रखे हमने, ये देखो गेट, पैसे बंदी पड़ी है वहाँ पे। ये जामुन का पेड़, ये मेरे दादा का कमरा था, ये हमारे पापा का घर है। गेट देखो गाइस, एक बार गेट देख लो भाई, मतलब पूरा गांव वाला फील है ना वो, यही है। ये मंदिर था, अब तो कुछ भी नहीं रहा, अब बात चल रही है इस घर को दोबारा बनवाने में। ये देखो वही हैंडपंप, वही सब। हेलो हाय, हाँ
सब हम घर के लिए निकल रहे हैं। अब सारा कुछ यहाँ का फंक्शन वगैरह ओवर हो चुका है और जो भी हमें काम करना था कर लिया है। वैसे हुआ तो नहीं, पापा दोबारा आएंगे, तो अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। तो चलिए चलते हैं। गाइस अब हम घर आ चुके हैं। रास्ते में ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मुझे बहुत नींद आई थी। हम बस होटल में रुके, खाना खाया और फिर मैं सो गया। तो आशा करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना जिन लोगों ने नहीं किया, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि थोड़ी सी पहले से तो इम्प्रूवमेंट आई है ना। तो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय।